तूफान लगे। इंडियन स्थिति में यहाँ पर पहुंच चुकी है। पहले जो लहरें शांत थी, लेकिन जैसे ही लहरों का रुख बदला, करंट यहाँ पर समंदर में बढ़ा, उसी के बाद लोग यहाँ पर ना पहुंचे, इसीलिए यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें पहुंच गई और लगातार यहाँ पर गश्त लगाया जा रहा है। क्योंकि समंदर में यहाँ पर जाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और जैसे कि यहाँ पर मौसम विभाग ने कहा कि 120 फीट प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा क्षति पहुंच सकती है, इसीलिए एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची है। साथ ही मैं सुजान में आपको एक और दृश्य दिखाना चाहूंगा कि हर बार तूफान जब भी आता तो कहा जाता है कि कोई भी अपने घरों से बाहर न निकले, खासतौर पर पेड़ों के पास न जाए। हम एक सुरक्षित जगह पर खड़े, लेकिन यहाँ पर आपको एक पेड़ में दिखाना चाहूंगा, ये विशाल पेड़ है, लेकिन इसकी जड़ें पूरी तरह से खोखली हो चुकी है। तेज हवाएं जब चलेगी तब ये जो पेड़ है वो किसी भी वक्त गिर सकता है। स्थानीय प्रशासन ने इस पेड़ को अब तक काटा नहीं है, और इन्हीं सारी वजहों को देखते हुए यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम आ रही है। पूरा इलाका जो है वो यहाँ पर रोक दिया जा रहा था, कि ऐसे जो खतरनाक पेड़ है जो गिर सकते हैं उसके पास कोई नहीं है। साथ ही में यहाँ पर पेट्रोलिंग जो है वो इनकी लगातार चल रही है। तो इसे आप समझ सकते हैं कि अभी करीब 5 से 6 घंटे हैं जब इसका असर और ज्यादा बढ़ सकता है। साथ ही में अभी की स्थिति में आपको यहाँ पर वेव दिखाना चाहूंगा, जो समंदर शांत था, आप देखिए लहरें धीरे धीरे उठ रही है, और जिस तरह मौसम विभाग रही है जब भी तूफान टकराएगा तब मौजूदा वेव से ज्यादा करीब 1.5 से 2 मीटर तक ऊंची लहरें यहाँ पर उठ जाएंगी, यानी करीब 6 फीट के आसपास लहरें यहाँ से उठेंगी। तो तमाम स्थितियों को देखते हुए सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसलिए अब हर उस संवेदनशील इलाकों में एनडीआरएफ जा रहे हैं, गश्त लगा रहे हैं। एक बात हम बहुत सारे लोगों को भी याद दिला दें, और आप लोगों से भी कहा, दिनेश जेपी निर्णय, आप लोग जो कि ग्राउंड पर हैं, दर्शकों को पता चल सके कि हालात क्या है, इसके लिए आप लोग जान जोखिम में डाल सकते। और भाई क्या लेके आया? अरे भाई हवा तो तेज होती जा रही है, हवा तेज हो रही है, बढ़ रही है, ये तो डर आ रहा भाई, बारिश भी बढ़ रही है। हाँ अभी तो स्टार्टिंग में 1 घंटा 1.5 घंटा बता रहे हैं, तब ये हाल हो रहा है। हाँ अभी तो स्टार्ट हुआ नहीं, 1:30 2 बजे तक तो था एक्सपेक्टेड, ये तो पहले से ही हवा तेज होने लगी। वो देखो ना सब पेड़ में इतनी तेज यहाँ, तो बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है तो अच्छा हुआ मजदूरों को सबको छुट्टी दे। उसकी तस्वीर आपके सामने है, आप सोचेंगे हवस ये उड़ती उड़ती जो एस्बेस्टस की शिक आएगी या प्लास्टिक की शीट आएगी और आपको नुकसान पहुंचाएगी, उसका क्या? क्या आपके चलते चलते आपके ऊपर गिरा तो उसका क्या? यही खतरा होता है जिससे बचाने के लिए, जानो माल का नुकसान कम हो उसके लिए पूरे इलाके को खाली करा दिया जाता है। रत्नागिरी में भी किया गया, रायगढ़ में भी किया गया। ये एक और तस्वीर, ये घाटों पर मुंबई की तस्वीर आप देख रहे हैं, और जैसा हम कह रहे थे कि मुंबई के लिए समस्या हवाएं कम होगी, बारिश ज्यादा होगी, और ये दिख रहा है कि कैसे वहां पर पानी बहता जा रही हो, और मुंबई की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहां नाले जाम हो जाते हैं बारिश गिर। ये तस्वीर देखिए, घाटों पर मुंबई में बाइक बहती चली गई, इतना तेज पानी का बहाव है वहां पर। और भाई गौरव, हाँ बाबा, तरबूज का आनंद ले रहे? मौसम देखो, मौसम तरबूज, मौसम तो देखो। हाँ